गिरिडीह प्रखंड में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले रविवार को शहीद भुवनेश्वर सिंह का शहादत दिवस सिरसा स्थित ब्लॉक परिसर में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष राजकुमार कर रहे थे, वहीं संचालन प्रखंड सचिव मनोज कुमार शर्मा ने किया। मौके पर प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव सुमन कुमार उपस्थित हुए। शहादत दिवस के मौके पर शहीद भुवनेश्वर सिंह एवं शहीद कैलाश के अलावा 15 नवंबर 2018 के आंदोलनरत 25 पारा शिक्षकों को भी श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर वर्तमान सरकार और शिक्षा मंत्री को धन्यवाद दिया गया और कहा गया कि चुनाव से पहले पारा शिक्षकों के स्थायीकरण का जो वादा किया गया था उस पर पहल करने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं रमेश कुमार बख्शी ने कहा कि वर्तमान समय में एकरूपता बनाने की जरूरत है। शहादत दिवस के मौके पर मुख्य रूप से दिलीप कुमार, प्रशिक्षित संघ के अध्यक्ष सुखदेव राय, गीता राज, एकीकृत पारा शिक्षक संघ के राम लखन वर्मा, मुरारी प्रसाद वर्मा, अजय सिंह, मीणा देवी, अरविंद कुमार, राजकुमार समेत दर्जनों पारा शिक्षक मौजूद थे। यहाँ पर मानवीय पहलुओं को देखते हुए शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं कि जो 55,000 पारा शिक्षक बच जाते हैं, जो परीक्षा जब आकलन की परीक्षा तय होगी तो आकलन परीक्षा में कोई साल भर के बाद हो सकता है कि परीक्षा पास करे, कोई दो साल के बाद करे, और कोई तीन परीक्षा देने की भी बात जो उत्तीर्ण नहीं हो, उनको कम से कम जीने के लिए कम से कम 20,000 मानदेय उनको दे दिया जाए ताकि वो अपना भरण पोषण, बाल बच्चों का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, अपने बीमार माँ बाप का इलाज करा सकें। बस यही हम उनसे आग्रह करते हैं। हम जिद नहीं करते हैं, हम आंदोलन की धमकी नहीं देते हैं। हमारे मानवीय पहलू पर वो विचार करें, बस यही आग्रह है। और जो सरकार ने सकारात्मक पहलू की है, जो हमारे साथ बैठकर जो सकारात्मक पहलू की ओर बढ़ी है निमारु स्थायीकरण का, उसका मैं मुख्यमंत्री को और शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मैं फिर से बहुत सरकार से जो मांग है, वह मांग है कि जो हमारे साथी शहीद हो चुके हैं उनकी आत्मा को शांति के लिए हर हाल में हम सभी पारा शिक्षकों को वेतनमान स्थायीकरण किया जाए, ताकि हमारे शहीद हुए मुनेश्वर सिंह, साथी कैलाश एवं अन्य 26 पारा शिक्षक 2018 के आंदोलनरत में जो हमारे साथी शहीद हुए हैं, उन सबों की आत्मा को शांति तभी मिलेगा जब सरकार हम सबों की मांग को मानेंगे। तथा आज हम लोग शहादत दिवस के अवसर पर झारखंड सरकार ने हम सबों की जो मांग को पूर्ण करने के लिए कदम बढ़ाए हैं, इसलिए हम सबों ने मिलकर के सरकार को, झारखंड सरकार को धन्यवाद ज्ञापन दिए। खास करके शिक्षा मंत्री जी ने हम सबों के लिए ससमय दिन प्रतिदिन अस्थाई होने के लिए, अस्थायीकरण करने के लिए जो कदम उठाए हैं, इसलिए वो शिक्षा मंत्री को हम लोग सराहनीय कदम उठाते हैं।